अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे पिज़्ज़ा रोल बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमें फ्यू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड चाहिए होंगे, जिसके हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे, अनियन और कैप्सिकम, टोमेटो, मोज़रेला चीज़ की क्यूब फॉर्म में जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, एग लेंगे, उसे बीट कर लेंगे, ब्रेड क्रम्स हैं, गार्लिक चिली गार्लिक सॉस है और चिकन लेंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे और उसमें चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, विनेगर डालेंगे और ऑयल में उसे बस फ्राई कर लेंगे और ऑरिगानो भी डालेंगे। एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे तो हम उसमें भी चिकन टिक्का मसाला डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर विनेगर डाल देंगे। अब इसे थोड़ी देर कुक करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना सही कुक हो गया है, इसका जो पानी था वो भी ड्राई हो गया। हमारा चिकन रेडी है। अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, इसे बेलने से बेल लेंगे ताकि ये पतली हो जाए और फिर इसमें हम स्टफिंग करेंगे। इसमें हम चिली सॉस लगाएंगे, ऊपर चिकन रखेंगे, टमाटो, कैप्सिकम और अनियन डालेंगे इसमें। आप चाहें तो, मैंने जूलियन कट में वेजिटेबल्स लिए, आप चाहें तो क्यूब फॉर्म में भी कट करके डाल सकते हैं। अब इसे रोल कर लेंगे। इसके बाद हम इसे अंडे में डिप करेंगे। ये मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स में भी ओरिगानो डाला था। अब हम अपने रोल को एग में डिप करेंगे। सारे रोल्स को वन बाय वन अच्छे से एग में कोट करेंगे, फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स से भी हम रोल्स को अच्छे से कोट कर लेंगे। ये रमज़ान में आप बना के ज़रूर इफ्तारी में खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। क्रिस्पी और क्विक रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाते हैं ये घर में। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसे गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम अपने रोल्स को फ्राई कर लेंगे। फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लेंगे, इसमें से अच्छे से ऑयल निकल जाए। इसको टिश्यू पेपर पे पहले रखेंगे, फिर हम इन्हें सर्व कर लेंगे एक अच्छी सी डिश में केचप के साथ। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारे पिज़्ज़ा रोल रेडी हैं, जिसमें से चीज़ निकल रही है और बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। आप यकीन जाने जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा है। होप आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।